उनमें कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन उन्होंने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हालात हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला देश के हर व्यक्ति पर, हर प्राणी पर, देश की सुई की नोक बराबर जमीन पर उसका लागू होता है, उसका अधिकार है। और ऐसे हालात में जिससे पूरा देश प्रभावित होता है, उस संस्था में अगर कोई मनमाने तरीके से जजमेंट ले लिए जाए, ऑर्डर ले लिए जाए और उसको लागू किया जाए, तो देश पर उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि उन्होंने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। और ये बहुत बड़ी अभूतपूर्व स्थिति है, ऐतिहासिक स्थिति है कि उन्होंने ये बेहतर समझा कि जब यहाँ हमारी बात सुनी नहीं जा रही तो हम जनता के सामने बात रखें। फिर जनता और जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जो सोच रखने वाले लोग हैं उनके सामने ये बात आए और वो इस बात पर निर्णय लें। और अगर सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो भी चीफ जस्टिस पर मनमाने तरीके से काम करने का आरोप लगा रहे हैं, और आरोप बड़े संगीन हैं कि आप चीफ जस्टिस जो है जिस केस को जहां चाहते हैं उस बेंच में वहां भेज देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता, न्याय जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बनी है, जानी जाती है, जिसमें लोगों का विश्वास है, वो निश्चित रूप से डगमगाया हुआ है। अगर आज ये बात ये कह रहे हैं तो जस्टिस कर्णन ने भी तो लगभग एक साल पहले यही बात कही थी, चिट्ठी लिखकर बात कही थी। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो उस समय हालात, अब ये जरा ये बात सोचने की है, देश भी इसको सोचे, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को सोचे, सभी जागरूक और जो विद्वान लोग हैं वो भी इस बात को सोचें कि भाई यही बात तो भ्रष्टाचार की बात तो जस्टिस कर्णन ने कही थी, तो क्यों फिर उनके खिलाफ सब कुछ हो गया और फिर उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आरोप में 6 महीने की जेल भेजी गई, क्यों? और वही बात आज ये जो 4 जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामान्य जजेस, इनको कहनी पड़ी। तो स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए अगर भ्रष्टाचार के विषय में कोई आरोप लगाता है तो मैं समझता हूँ उसको गंभीरता से लेना चाहिए और देखना चाहिए, उसकी जड़ में जाना चाहिए कि आखिर ये भ्रष्टाचार कहाँ तक है और किसकी वजह से है, और उस जड़ को खोज के उसका निदान करना चाहिए और जो भी अपराधी हों उनको दंडित करना चाहिए। जस्टिस कर्णन ने यही कहा था और आज यही बात जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं यही कह रहे हैं जी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानता, मैं इसके विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि इन 4 जजेस ने देश के प्रति बहुत बड़ा ऋण अपना चुकाया है और देश को इनका सम्मान करना चाहिए। और इनके खिलाफ की बात तो सोचने की बात ही गलत है कि इनके खिलाफ क्या होगा, देश को तो इनका सम्मान करना चाहिए। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो अंदर प्रक्रिया जो हो रही है उसको सामने रख दिया। देखिए मैं इसमें इतना और कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ये बात कहते हैं कि भाई इन्हें बाहर नहीं कहना चाहिए था, अंदर ही अंदर बात निपटानी चाहिए थी आपस में बैठ के। तो क्या मतलब यह है कि अगर भ्रष्टाचार चल रहा है जी, उस भ्रष्टाचार को, उस बेईमानी को आप अंदर ही अंदर जो भी है सेटलमेंट कर लें, उसको जनता के सामने न लाने दें, जनता को नहीं पता लग पाए कि जो न्याय की सबसे बड़ी अदालत है, जो सबसे बड़ी संस्था है, उसमें भी ये हाल हो रहा है।